शुरू है। हाँ हाँ आज एक फिर वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों एनपीके और भी ऑर्गेनिक एनपीके कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हमारे पौधे के लिए कितनी उपयोगी काम करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस ये तीन तत्व ऐसे हैं जो मुख्य तत्व हमारे पौधे के लिए हैं, और इन तीन तत्वों को आप देना शुरू करते हैं तो हमारे पौधा का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर जो ऑर्गेनिक एनपीके मैं कैसे बनाऊं, ऑर्गेनिक एनपीके बना के कैसे इस्तेमाल करूं, उसको आप मुझे बताइए, वीडियो बना के दीजिए। तो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं ऑर्गेनिक एनपीके, और आप इसको ट्राई करिएगा। ट्राई करके आप अपने पौधे को दीजिएगा, देने के बाद देखिएगा कैसा उसका ग्रो कर रहा है। तो उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपसे कि आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस, ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, देख सकते हैं मैंने ले रखा है ये गुड़, और ये गुड़ की मात्रा है 1 kg। मैंने इसको भिगो दिया है पहले से ही, और दोस्तों आप जानते हैं गुड़ जो होता है, गुड़ में फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, पोटाश बहुत एलिमेंट गुड़ में पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो दोस्तों करना क्या है आपको, आपको 1 kg गुड़ लेना है, 1 kg गुड़ को आप पानी में घोल लेना है, और दोस्तों जो सबसे ख़राब गुड़ होता है उसका आपको इस्तेमाल करना है। जो इंसान उस गुड़ को न खाता हो, जो जानवर खाते हैं उस गुड़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है, देख रहे हैं, बेसन। और बेसन में दोस्तों आपको बता दें कि बेसन में सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज और विटामिन्स दोस्तों आपके बेसन में पाए जाते हैं, और ये भी जितने एलिमेंट हैं सारे पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों ये बेसन की मात्रा मैंने लिया है 250 ग्राम, 1 kg गुड़ हो गया, 250 ग्राम बेसन हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बता दें आपसे कि आपको लेना है गोबर। गोबर दोस्तों आप लेना है, काऊ का भी ले सकते हैं, बफेलो का भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप गोबर अगर लेते हैं, ताज़ा गोबर लेते हैं तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि ताज़ा गोबर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन वर्क करेगा। या 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन या 2 महीने का भी गोबर आपके पास है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास काउडंग केक है तो उसको भी आप डिकम्पोज करके 1 सप्ताह के अंदर में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना इस्तेमाल करके आप ताज़ा गोबर सिंपल तरीके से इस्तेमाल करिए, आपको उसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और गोबर की मात्रा आपको लेनी है 1 kg, 1 kg गोबर लेनी है आपको। उसके बाद दोस्तों लेनी है आपको मिट्टी, देख सकते हैं ये मिट्टी ली है मैंने, और मिट्टी आपको लेना है ऑर्गेनिक, जैविक, जहाँ पे आप केमिकल का इस्तेमाल ना करते हों उस खेत की मिट्टी ले सकते हैं। और मिट्टी आप लीजिएगा तो ऊपरी सतह का मिट्टी लीजिएगा, जैसे 6 इंच से नीचे का मिट्टी आप इस्तेमाल ना करिएगा इस एनपीके में, आप ऊपर का मिट्टी इस्तेमाल करिएगा। या तो आपके पास एक ऑप्शनल ये भी है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है हमेशा 24 आवर ऑक्सीजन देता है, और वहाँ की मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा जीवाणु की संख्या होती है, तो उस मिट्टी को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मिट्टी दोस्तों आपको लेना है इसमें 500 ग्राम, आधा kg। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि 10 लीटर एक बाल्टी में लेनी है पानी। देखिए मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, और ये जो एनपीके दोस्तों आप इसमें इसको सॉइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉइल के साथ इसको आप स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीका मैं आपको बताऊँगा। जैसे दोस्तों देखिए मैंने ले रखा है एक बाल्टी है, बाल्टी मैंने ले लिया है 10 लीटर पानी। अब इसमें आपको डालना है जो 1 kg जो मैंने गुड़ लिया था, इस गुड़ को इसमें डाल देना है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन आपका बन के तैयार होगा एनपीके, और आपको मार्केट से एनपीके खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये हो गया गुड़। उसके बाद ये जो बेसन है, बेसन का भी इस्तेमाल कर दीजिए इसमें, और इसको अच्छे तरीके से आप
मिक्स कर लीजिए। मैं एक डंडे के माध्यम से इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको इसमें जो मिलाना है मिट्टी। दोस्तों मिट्टी आपको मिलाना है आधा किलो। इसको भी अच्छे तरीके से इसमें घोल लीजिए। ये बेसन ऊपर है तो इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए इसमें। और इसके बाद दोस्तों 1 kg जो डालना है गोबर। दोस्तों गोबर आप जानते हैं कि कितने बढ़िया काम करता है हमारे खेतों के लिए, तो गोबर का इसमें इस्तेमाल कर दीजिए आप। इसको भी अच्छे तरीके से आप इसमें घोल लीजिए। और दोस्तों ये आपका NPK जो मैं बना रहा हूँ, ये सारी प्रक्रिया इसमें मैंने पूर्ण हो गया है। अब करना क्या है दोस्तों, आपको करना ये है कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना, जितना अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद इसको आपको कम से कम 5 दिन तक रखना है। दोस्तों आप 5 दिन बाद ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तुरंत इसको इस्तेमाल दोस्तों ना करिएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 5 दिन बाद आपको इस्तेमाल कैसे करना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि दोस्तों इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, इसको कभी भी दिन तक रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसको आपको जो रखना है छाँव में रखना है, धूप में इसको दोस्तों नहीं रखना है। धूप में रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आप जो इसमें माइक्रोब हैं वो धूप से दिक्कत में आ सकते हैं। और दोस्तों इसको आपको बताएं कि इसको आप खेत में इस्तेमाल करिए। खेत में इस्तेमाल करने के बाद उस खेत की मिट्टी को जांच करवा लीजिए। जांच करवाने के बाद देख लीजिए उसमें बैक्टीरियों की संख्या बहुत मात्रा में बढ़ जाएगी, प्लस जो पोषक तत्व हैं पोषक तत्वों में भी वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों आप इस NPK का इस्तेमाल करिए। आप दोस्तों इसे 5 दिन रखने के बाद, और इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज कर लीजिए कि ये आपका 5 दिन हो गया, और 5 दिन होने के बाद कैसे इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों करना क्या है आपको, आपको ये करना है कि ये आपका 12 से 13 लीटर आपका ये बन के तैयार है NPK। और इसमें आपको इस्तेमाल करना है तो जो मिट्टी में कैसे इस्तेमाल करना है, मिट्टी में दोस्तों आपको इस्तेमाल करने के लिए इसमें 100 ml इसका लेना है। 100 ml आपका NPK हो गया, और 100 ml NPK के बाद 5 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है। जैसे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसको अच्छे तरीके से घोलने के बाद, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे कि 5 दिन बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे दोस्तों 100 ml ले लीजिए, तो लेने के बाद करना क्या है, इसको आप थोड़ी सी किसी माध्यम से अगर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं है तो इसको आप छान लीजिए। छान लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे देखिए दोस्तों मैं इसमें छान ले रहा हूँ। क्योंकि जब 5 दिन तक इसको रखेंगे तो जो इसमें वेस्ट बच रहा है ये वेस्ट बचेगा नहीं, सब इसी में अच्छी तरीके से घुल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों ये आपका 100 ml हो गया अगर ये, तो इस 100 ml को करना क्या है, आपको 5 लीटर पानी में डालना है। जैसे देखिए ये अपने पास 5 लीटर पानी है, और इस 5 लीटर पानी में आपको इस 100 ml को डालना है। सेम मैंने डाल दिया इसमें। अब डालने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए पानी में, और इसको आप किसी भी प्लांट को आप इसको दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको ध्यान है कि जो देना है 30 से 50 ml देना है एक प्लांट को, चाहे गमले में प्लांट लगाए हैं या ग्रो बैग में लगाए हैं या जैसा भी प्लांट आपके पास हो, 50 ml से अधिक आपको ये नहीं देना है।
ये दोस्तों आपको ध्यान रहे। दोस्तों जो मैंने एनपीके आपको बना के दिखाया है, इस एनपीके का इस्तेमाल किसी भी सब्जियों पे आप कर सकते हैं, किसी भी सब्जियों पे आप इसे करिए तो आपको इसका जो परिणाम है बहुत ही अद्भुत देखने को मिलेगा। जो एनपीके मैंने दोस्तों ये बना के आपको बताया, इस एनपीके को मार्केट में आप परचेज करने जाएंगे तो एक तो पहले मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी जो मैंने एनपीके बना के आपको दिखाया। इस एनपीके को आप बनाइए और बनाने के बाद दोस्तों इसको आप इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट इसका बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस एनपीके को बनाने के बाद जो आप इसका रिजल्ट मिल रहा है, आप कमेंट में मुझे बताइए कि इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला। दोस्तों ये जो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक साथ दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो आप देखते हैं शेयर करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आर्यन कुछ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो को लगातार मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उस वीडियो को मैं कमेंट करिए, मैं उस कमेंट पर आपको रिप्लाई दूंगा और प्रयास करूंगा कि उस पर मैं वीडियो बना के आपको दूं। धन्यवाद।